भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा ने आज डीडवाना के पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र से नागौर में प्रवेश किया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसभा को संबोधित किया। सभा से पूर्व पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, स्वच्छ प्रशासन होगा, अपराध पर लगाम लगेगी और राजस्थान की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप राजस्थान को विकसित करने और बदलते हुए भारत के परिदृश्य में जब भारत विकसित होने की तरफ जा रहा है तब राजस्थान उसका ग्रोथ इंजन बने, इस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाली सरकार बनाने के लिए आ रही है। ये निश्चित है कि वर्तमान की राजस्थान सरकार के विरुद्ध आज जनता में भयानक आक्रोश है। इस आक्रोश को परिवर्तन के संकल्प में परिवर्तित करने के लिए और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के दृष्टिकोण से वायुमंडल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के चार कोनों से चारों अलग अलग यात्राएं आयोजित की हैं, जो प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं।